दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा और ईशान किशन को बेहतरीन ओपनर बल्लेबाज मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आज भारत और श्रीलंका के बीच में T20 श्रृंखला का पहला T20 मुकाबला खेला जा रहा है, जिसमें भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी कर रही है और वहां पर हमारे ओपनर बल्लेबाज रोहित शर्मा और ईशान किशन ने मैदान में कुछ ऐसा रिकॉर्ड बना दिया जिसे देखकर भारतीय दिग्गज राहुल द्रविड़ और रवि शास्त्री के भी होश उड़ गए। और हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि रोहित शर्मा और ईशान किशन ने इस T20 मुकाबले में क्या नया रिकॉर्ड अपने नाम किया है। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि ईशान किशन और रोहित शर्मा में कौन है बेहतरीन ओपनर बल्लेबाज, इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, भारत और श्रीलंका के बीच में पहले T20 मुकाबले में श्रीलंका की टीम ने पहले टॉस जीता और इसके बाद उन्होंने गेंदबाजी करने का फैसला किया। और दोस्तों, ये फैसला श्रीलंका के हक में नहीं रहा क्योंकि भारतीय बल्लेबाज रोहित शर्मा और ईशान किशन ने शुरुआत से ही श्रीलंका के गेंदबाजों की पिटाई करनी शुरू कर दी और उनको श्रीलंका के गेंदबाजों ने ऐसी पिटाई की वो अपनी लाइन और लेंथ भूल चुके हैं। और दोस्तों, भारतीय टीम ने पावर प्ले के अंदर ही 50 रन का आंकड़ा छू लिया, जिसमें भारतीय टीम ने अपना एक भी विकेट नहीं खोया और इसमें भारतीय ओपनर बल्लेबाज ईशान किशन ने बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई क्योंकि वो बहुत ही अधिक स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी कर रहे थे और भारतीय टीम का स्कोर बोर्ड चला रहे थे। हालांकि दोस्तों, रोहित शर्मा पावर प्ले तक शांत थे, उन्होंने पावर प्ले तक कम ही रन बनाए थे। लेकिन दोस्तों, इसके बाद रोहित शर्मा ने भी अपना गियर बदला और क्योंकि अब वो सेट हो चुके थे और सातवें ओवर से श्रीलंका के गेंदबाजों की ऐसी पिटाई करनी शुरू कर दी कि उनको ये तक नहीं पता कि आखिर रोहित शर्मा को गेंदबाजी कैसे की जाए। और इन दोनों खिलाड़ियों ने अभी तक शानदार बल्लेबाजी करते हुए 10 ओवर में 100 रन का आंकड़ा पार कर लिया और भारतीय टीम का स्कोर 10 ओवर में 104 रन बिना कोई विकेट के नुकसान के पहुंचा दिया। और दोस्तों, इसमें ईशान किशन ने 35 गेंदों में 60 रनों की नाबाद पारी खेली और अभी उन्होंने 7 शानदार चौके और 2 बड़े छक्के भी लगाए हैं। और इसके बाद रोहित शर्मा ने भी श्रीलंका के गेंदबाजों की बहुत बटाई की और उन्होंने अपने बल्ले से शानदार प्रदर्शन करते हुए 29 गेंदों पर 42 रनों की नाबाद पारी खेली और जिसमें 2 बड़े चौके और 1 शानदार छक्का भी शामिल है। दोस्तों, इसी के साथ ही इन दोनों खिलाड़ियों ने सबसे ज्यादा ओपनिंग साझेदारी का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। दोस्तों, इसमें सबसे पहले ये कीर्तिमान सिर्फ KL राहुल और रोहित शर्मा ने 2018 में अपने नाम किया और दोस्तों, वो मुकाबला भी भारत और श्रीलंका के बीच में खेला जा रहा था। दोस्तों, ईशान किशन और रोहित शर्मा अभी भी मैदान के अंदर बल्लेबाजी कर रहे हैं और वो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं और इन दोनों ही बल्लेबाजों की बल्लेबाजी को देखकर ऐसा लग रहा है कि आज ये दोनों खिलाड़ी रुकने के मूड में ही नहीं हैं और ये दोनों अपना शतक बनाकर ही पवेलियन जाएंगे। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि रोहित शर्मा और ईशान किशन इस रिकॉर्ड को प्राप्त करने के बाद 200 रनों की साझेदारी का नया रिकॉर्ड अपने नाम कर पाएंगे या फिर नहीं, इस बात का जवाब हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल। धन्यवाद।